अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर है। कल का सेशन भी हमने अगेन लास्ट सेशन की तरह पॉजिटिव ही देखा। मार्केट ने जो थ्रू आउट परफॉर्मेंस वो पॉजिटिव जो है वो दिए, और इसकी क्लोजिंग भी पॉजिटिव नोट पर हुई है। और अगर हम देखें तो ये जो रेजिस्टेंस लाइन है इसको हम मेजर ही कंसिडर कर रहे हैं इस वक्त, तो उस वक्त ये जो है उसी के अराउंड क्लोजिंग दी है। अगर आप देखें हल्की सी ऊपर मार्केट इसको क्रॉस करती हुई ऊपर गई थी, उसने हाई किया था तकरीबन इस लेवल पे 45,700, 758, 744, यहाँ पे जो है ना इसने हाई किया था 45,554। और मैंने ये कल भी मेंशन किया था कि ये लेवल रेजिस्टेंस का है, इवन ये भी जो है 46,200 का भी लेवल है, लेकिन वो अगर उसके बाद अगर ये मार्केट परफॉर्म करती तो मज़ीद अपसाइड जा सकती थी, लेकिन कल के सेशन में बहुत मुश्किल लग रहा था, तो इसलिए मैंने कहा था कि मैक्सिमम 45,800 ये वाला लेवल जो है ये इंट्राडे में जो है ये रिटेस्ट हो सकता है। लेकिन जो लेवल बताया गया था वो उसी के अराउंड जो है मार्केट ने वहाँ पे हल्की सी रिजेक्शन ली। आप देखें यहाँ से एक विक फॉर्म हुई है और क्लोजिंग इसी के अराउंड हुई है। अगर हम देखें तो मार्केट जो है कंटिन्यूसली यहाँ से जा रही है, परफॉर्म कर रही है, और इसका हम RSI भी देखें तो RSI भी 61 पर है। और जैसा मैंने कल की वीडियो में कहा था कि RSI जो है जब 60 बिटवीन 60 to 70 अगर यहाँ पे कोई रिजेक्शन ले तो इसका मतलब है कि ओवरबॉट जोन में है और वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हम विटनेस कर रहे हैं। वॉल्यूम में देखें तो वॉल्यूम भी कल माशाल्लाह जो है अच्छे जनरेट हुए। 115 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ, जो कि एक अच्छी साइन है। अगर अच्छे वॉल्यूम से मार्केट ऊपर जा रही है तो दैट मीन्स के मतलब ये कि मार्केट ऊपर आगे परफॉर्मेंस दे सकती है। और इसके साथ साथ मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसमें भी हमने इंक्रीज देखा। इस वक्त जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो तकरीबन स्टैंड कर रहा है 7,800, गो कि इतना सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं था, लेकिन ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है तो एक पॉजिटिव साइन है। आई थिंक शायद 53 बिलियन का कुछ हुआ था, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे जो है वो उसको मेंशन कर दूंगा। हमारा जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो आप देख लीजिएगा। तो साथ साथ इसको भी मैं जिस तरह अपने हर वीडियो में ऑलमोस्ट कहता रहा हूँ कि मार्केट कैपिटलाइजेशन पे भी नज़र रखें कि कहीं हमको ये कोई जो जा रहा है कोई फॉल्स तो नहीं है। जैसे हमको यहाँ दो तीन ब्रेकआउट मिले थे रेजिस्टेंस के, देखिए रेजिस्टेंस लाइन है तो यहाँ पे ब्रेकआउट है कि अच्छे वॉल्यूम के साथ हुआ था, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन तब भी जो है 8,000 बिलियन को क्रॉस नहीं किया था या उसको मीट भी नहीं किया था। तो ये यहाँ पे हमने फॉल्स जो है ब्रेकआउट देखा था, अगेन मार्केट यहाँ से जो है इसमें मैसिव सेलिंग आई, नीचे मार्केट ने अपना डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाया। इसके बाद यहाँ पे भी इस देखे नहीं इस एरिया में जो है ये ब्रेकआउट हुआ मार्केट का, लेकिन आप यहाँ देखें यहाँ डोजी फॉर्म हुए, कोई बुलिश कैंडल नहीं हुई और ये साइडवेज हो गई यहाँ के, तो ये भी एक फॉल्स ब्रेकआउट था। और अल्टीमेटली हमने जिस तरह मैंने ये जब ये यहाँ पे जा रहा था तो मैंने कहा था यहाँ पे सेलिंग अच्छी खासी आ सकती है 47,600 के अराउंड, तो वहीं हमने फिर हमने अगेन जो है वो सेलिंग विटनेस की और मार्केट की अगेन जो है वो डाउनवर्ड हमने परफॉर्मेंस देखी। अब अगेन जो है अगर आप देखें तो ये इस लेवल को जो है इंडेक्स काफ़ी दफ़ा रिटेस्ट कर चुका है, आई थिंक 1, 2, 3 और ये अभी चौथी दफ़ा भी रिटेस्ट किया यहाँ पे कल के दिन। तो अगर हम इसको इस तरह देखें, अगर इस ट्रेंड लाइन को लेते हुए चलें तो ये इंडेक्स जो है लोअर हाई जो है वो बनाता हुआ आ रहा है। जैसे ना एक ये लोअर हाई है, ये वाला लोअर हाई है, इसके बाद फिर ये वाला लोअर हाई है। अब ये देखते हैं कि ये हमारा लोअर हाई होता है या इसके अगर आगे अच्छे जो है ब्रेकआउट मिलता है अच्छे वॉल्यूम के साथ और मार्केट करेक्शन लेते हुए इसी तरह की कोई कैंडल फॉर्म करती है। सर ये है यहाँ से अगर फर्ज करें ये इतना बड़ी कैंडल फॉर्म होती है ब्रेकआउट के बाद और ये इस तरह कैंडल फॉर्म होती है तो मज़ीद अपसाइड इसमें देख सकते हैं। इसमें ये जो लेवल जहाँ पे रिजेक्शन आई थी ये अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी भी है इस वक्त, ये मैं आपको बता दूँ क्योंकि ये हमारा लोअर हाई था तीसरा वाला, ये लेवल जो है 46,200 का लेवल जो है इसको मैं रेड कलर कर देता हूँ, ये वाला लेवल जो है
ये अभी भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है और ट्रेंड चेंजिंग लेवल है। अगर यहाँ से ऊपर मार्केट जो इंडेक्स परफॉर्म करता है अच्छी बुलिश कैंडल के साथ अलोंग विथ इंक्रीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो हम इसमें मजीद अपसाइड देख सकते हैं। और इसके बाद जो है ये अगला रेजिस्टेंस जो है ये हमारा 46,600, ये मैंने अपनी पिछली अगर वीडियो आपने देखी होगी तो मैंने पहले भी कहा था जब ये मार्केट नीचे परफॉर्म कर रही थी तो मैंने कहा अगर वॉलेटिलिटी आएगी तो यहाँ ज़रूर रिजेक्शन आएगी। ये 46,000 इस वक्त जो रेजिस्टेंस पहले 47,600 पे था, फिर इसके बाद अभी रेजिस्टेंस जो है 46,600, 46,700। अगर हम देखें तो राउंड में 46,700 का ब्रेकआउट मिलना ज़रूरी है फॉर फर्दर अपसाइड। और अगर ये दूसरा जो है लोअर हाई है जो बना था अगर उसको भी ब्रेक करती है मार्केट तो हम इंशाल्लाह मजीद अपसाइड देख सकते हैं। बहरहाल जो स्पेसिफिक स्टॉक हैं उनको आप मद्देनजर रखें, मार्केट अपार्ट फ्रॉम मार्केट, अगर मार्केट का आर एस आई हाई हो रहा है और किसी स्टॉक का जो है वो लो है तो आप उसमें एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इट डजेंट मीन कि अगर वो मार्केट नीचे आएगी तो वो स्टॉक नीचे आएगा। आपने देखा होगा कई दफ़ा कि मार्केट जो है 300-400 पॉइंट माइनस होती है लेकिन कुछ स्टॉक जो है वो अपर सर्किट जो है उन्होंने ब्रेक किया हुआ होता है, वो अपर सर्किट पे ही काम हो रहा होता है उनमें, या वो मतलब लॉक लगा होता है उनमें। तो इसी तरह मैं जिस तरह अपनी वीडियो में कहता रहा हूँ और ग्रुप में भी कहता रहा हूँ कि जो लोअर आर एस आई है उस पर आप उन स्टॉक को जो है आप अपने वॉच लिस्ट में रखें और उसमें आप ट्रेड भी कर सकते हैं। तो अगर हम डाउन साइड पे देखें तो एक ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग इस वक्त जो है फॉर्म हो चुका है सपोर्ट लेवल, मैं यहाँ पे जो है ये आपको बना देता हूँ। ये एक लाइन चली आ रही है, ये देखिए छोटा सा एरिया ऑफ वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, ये है ये जो लेवल ले आ रहा है ना 45,284 और 45,091, ये एक जो है अच्छा सपोर्ट लेवल इस वक्त जो है फॉर्म हो चुका है। तो हो सकता है अगर यहाँ जैसे यहाँ पे अगेन मार्केट रिटेस्ट करे या साइडवेज हो के अगर मार्केट यहाँ पे कहीं रिजेक्शन आती है या कोई हम गैप बेरिश कैंडल फॉर्म होते हुए देखते हैं तो यहाँ पे कहीं जो है सपोर्ट हम देख सकते हैं, इनिशियल सपोर्ट। तो और यहाँ पे एक ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 44,700, मैंने कल भी अगर आप देखें वीडियो में अगर आप देखेंगे तो ये मैंने मेंशन किया था 44,700 का लेवल, ये एक अच्छा लेवल है ठीक है। इसके नीचे ये एक जो है ये एक अच्छा लेवल है सपोर्ट का, अगर इसको मार्केट ब्रेक करके क्लोज होती है समवेयर अराउंड ये समझ लें आप 44,400 या 44,300 तो ज़रा फिर कॉशियस रहना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है शायद यहाँ से मार्केट ऊपर परफॉर्म करें क्योंकि अभी रिजल्ट सीजन चल रहा है, अभी भी स्टिल इट्स गोइंग ऑन, अभी भी काफ़ी कंपनीज के रिजल्ट आना बाकी हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट और इंशाल्लाह देखें। अब सिर्फ हमारे जो बेंच मार्क है क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन का 8,000 का, उसमें सिर्फ 200 बिलियन अभी शॉर्ट है। और अच्छी बात यह है कि कल गवर्नमेंट ने रेज किए हैं तो $1 बिलियन थ्रू सुकुक सेल किए हैं $1 बिलियन के, तो देखें होपफुली अगर उसका इंजेक्शन मार्केट में होता है तो हम अच्छी मार्केट की परफॉर्मेंस देख सकते हैं अपसाइड पे। तो अपनी स्ट्रेटेजी इसी तरह प्लान करें जिस तरह मैंने आपको बताया है और टेक्निकली जो है जिस तरह मैंने आपको बताया है एक इनिशियल सपोर्ट मैं आपसे शेयर करता जाऊँ। अच्छा मैं ये आवली हिसाब से भी आपको बता दूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, ये देखें आवली में भी देखें ये जो लाइन है यहाँ पे हमने देखें यहाँ पे रिजेक्शन, ये इसको हम देखेंगे ये देखें जब अगली कैंडल जो है वो बेरिश फॉर्म हुई है दैट मींस कि यहाँ ब्रेकआउट आवली चार्ट पे तो रेजिस्टेंस को मिला है लेकिन ये फॉल्स ब्रेकआउट है अभी तक तो यही लग रहा है क्योंकि यहाँ पे बुलिश कैंडल फॉर्म हुई इसके बाद डोजी फॉर्म हुआ, या एक तरह से कहने कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गई आवली चार्ट के हिसाब से। अच्छा अगर हम इसके साथ अगर हम वॉल्यूम को भी नज़र डालें वॉल्यूम पे तो हाँ देखना यहाँ पे सेलिंग देखी है आखिरी जो 2 घंटे जो है लास्ट 2 आवर्स इसमें जो हमने सेलिंग विटनेस की है यहाँ पे। तो
अबाउट 20-21 मिलियन एक हो गया, और राउंड अबाउट, और 16 मिलियन, 36 मिलियन जो है हमने, 37 मिलियन जो है तकरीबन हमने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हुई है, यहाँ पे सेलिंग आई है इतनी। तो आने वाले दिनों में देख सकते हैं आप वाली चार्ट के हिसाब से, तो ये एक सपोर्ट लेवल है 45,550। ये मैंने अपने ग्रुप में भी और मुख्तलिफ जो मैं जिनमें हूँ ग्रुप में सोशल मीडिया में, उसमें मैंने ये शेयर किया था कि 45,550 से लेके 45,350 ये वाला लेवल जो है, ये एक अभी अच्छा सपोर्ट लेवल है आ वाली चार्ट के हिसाब से, तो इसको भी जहन में रखें ये वाला लेवल 45,370 है, वो ग्राउंड में 50 है, 350, तो इसको भी जहन में रखें। इसके बाद फिर अब ये जो है ना, ये एरिया ऑफ वैल्यू में एंटर हो जाएगा, तो ये और मज़ीद स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म हो जाएगी। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए अपनी जो है ना स्ट्रेटजी प्लान करें ट्रेडिंग की, और अभी भी मार्केट डाउन ट्रेंड में है, प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करते रहें। लोअर साइड पे जो आपकी बाय है, अप साइड पे जो अच्छे स्टॉक हैं आपने बाय किए हैं उनको पेशेंटली होल्ड रखें, और नीचे की तरफ वही स्टॉक है या कोई और स्टॉक बाय करते हैं तो उसको सेल ज़रूर करें अप साइड पे। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।